नमस्कार जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आज मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को आज चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दे दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश हुए इसी मामले में कोर्ट ने चार आरोपी अर्जुन पांडे, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार को नियमित जमानत दी है। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर कानूनी पेचीदगियों के हिसाब से देखें तो आज की जो पेशी थी वो क्यों महत्वपूर्ण थी, क्या ये रूटीन पेशी थी? बिल्कुल, ये एक रूटीन पेशी थी और सीआरपीसी 207 के तहत जो औपचारिकताएं होती हैं किसी भी मामले में आरोप तय करने से पहले वो सारी आज पूरी हुई और कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि इस मामले में चार्जशीट से जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज हैं वो सभी आरोपियों को मिल जाएं। और कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो तमाम जो दस्तावेज हैं वो आरोपियों को दे दें और सीबीआई ने भी कोर्ट को आश्वस्त किया कि आज वो दस्तावेज आरोपियों के वकीलों को दे देंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आरोप तय करने को लेकर बहस हो तो उस वक्त आरोपियों के वकील अपने आप को जीने के लिए तैयार रख सके, वो उन सवालों को, उन दलीलों को काउंटर कर सकें जो इस मामले में अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से रखी जाएंगी। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत दी है। ये वो आरोपी हैं जो सीबीआई की चार्जशीट में जिनको आरोपी बनाया गया था लेकिन सीबीआई ने इनको गिरफ्तार नहीं किया था और आज सीबीआई ने भी इन चारों आरोपियों की जमानत का कोई विरोध नहीं किया। सीबीआई का ये कहना था कि चूंकि चारों आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे लिहाजा जांच एजेंसी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो इन चार आरोपियों को जमानत मिली है। आज मनीष सिसोदिया भी पेश हुए थे कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है सीबीआई को, जो जांच एजेंसी है इस मामले में, कि वो सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो मुहैया करा दें ताकि वो अपने आप को जीने के लिए तैयार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए।